mami. प्रधानमंत्री जी का जो ख्वाब है, ड्रीम है कि बच्चियों को जो हमारा खेलो इंडिया है, जिस तरह से सारे हिंदुस्तान में स्टार्स पैदा हो रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, खेल पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। अब जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस तरफ कदम बढ़ाया है, आज आप देखोगे कि हर एक मैदान में और ख़ासकर खेल में बच्चियों को वो सिफात दी जाती है, वो प्रैक्टिस दी जाती है। जैसे आज हम आए हैं यहाँ पे, खेलो इंडिया का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, बच्चियों को, गर्ल्स को जोड़ो सिखाया जाता है। और इस तरह से हमारी बच्चियाँ ना सिर्फ खेल के मैदान में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि वो अपने प्रोटेक्शन में, जो हम आज देख रहे हैं कि हमारी बच्चियों को कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और वो क्यों इतना सक्षम होनी चाहिए, तो इसके लिए ये हम अपने प्रधानमंत्री जी को शुक्रिया कहते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं यहाँ के सारे उन कोचेस को जो इन बच्चियों को, गर्ल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, ये जो टूर्नामेंट हो रही है 10 का दम वुमेन लीग हो रहा है, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वुमेन डे को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे इंडिया में 10 सिटीज़ में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, डिफरेंट गेम्स कर रही है, जिसमें जूडो जो है जम्मू में हो रही है, जो दूसरी गेम है वो ऑलरेडी इंडिया के दूसरी स्टेट्स में हो रही है। ये जो गेम्स की इनाग्रेशन थी, ये हमारे सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका मेन मकसद है वुमेन, जो जितनी वुमेंस हैं वो आगे हैं, आने वाले टाइम में वुमेंस को हम स्पोर्ट्स में और आगे अपडेट करें। ये जो चैम्पियनशिप है, ये J&K यूनिवर्सिएशन के बैनर के नीचे, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे, स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ J&K के बैनर के अंडर हो रही है। इसमें डिफरेंट यूटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिफरेंट स्कूल से लड़कियों ने पार्टिसिपेशन किया है।